हे फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो है ये एक ब्लॉग वीडियो है और आप इसे एक्सपेरिमेंट वीडियो भी कह सकते हो एक तरह से। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं अपने बालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, वो भी बियर के साथ। आप लोगों ने सुना ही होगा कि बियर से बाल धोने से मतलब इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए। सो गाइस, अभी मैं जाऊँगा ठेके पर और लेके आऊँगा बियर और बियर से अपने बाल वॉश करूँगा। सो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं, बाल धोने के बाद क्या होता है, क्या 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 इसके बेनिफिट्स मेरे को मिलते हैं। अभी आप मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हो, अभी कैसे बाल हैं अभी आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पहले कैसे बाल थे फिर कैसे बाल हो गए। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बियर से बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। सो गाइस, चलते हैं अभी ठेके की और फिर लेके आते हैं बियर, पीने के लिए नहीं, लगाने के लिए। ओके, चल। तो गाइस, अभी ले लिया हमने कैन, अभी चलते हैं घर की तरफ। फिर इसका एक प्रोसीजर है कि किस तरह से हमें बालों को वॉश करना है। ऐसा नहीं कि मतलब सीधे ही मतलब अपने बालों को ऊपर डाल लिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो बाल हैं वे डैमेज हो जाएंगे। सो इसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मैं आपको घर पर जाने के बाद बताऊँगा। सो अभी चलते हैं घर पर, फिर देखते हैं कैसे इसको वॉश करना अपने बालों को। सो इसे घर पे जाने के बाद पीना नहीं है, कभी आप पीने के बाद डल्ली हो जाओ और फिर घर वाले आपकी समझ जाओ क्या। सो अभी पहुंच गए हैं घर पे, अभी निकालते अपनी पैकिंग को। मैं घर पर इसे पैकिंग ही बोलूंगा। सो चलिए, तो गाइज मैं आप लोगों को जो प्रोसीजर बता रहा था वो ये है कि सबसे पहले आपको इसको एक जग के अंदर निकाल लेना है, ठीक है। जग के अंदर निकालने का एक रीजन ये है कि ताकि जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाए। अगर ये अगर आपके बालों के अंदर जाएगी ना तो आपके बालों को ड्राई कर देगी। सो मैं नहीं चाहता कि आपके बाल ड्राई हों। ओ शिट, गाइस अब इसको जग के अंदर डालते हैं। ये तो मेरे को भी अजीब लग रहा है घर पे पहली बार। ये जो आपको झाग दिख रहे हैं ये झाग वगैरह निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से इसको लगेगा डिकार्बोनेटेड होने में 1 से 2 घंटा लगेगा, उसी के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं बालों में लगाने के लिए, ठीक है। सो इसको डिकार्बोनेटेड होने दें और फिर उसके बाद हम चलते हैं फिर अपने हेयर को वॉश करने के लिए। सो मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा। सो वीडियो पॉइंट तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके जो बाल हैं वो फिल उठेंगे मेरी। सो देखते रहना। सो पहले इसको डिकार्बोनेटेड कर लेते हैं, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। सो वेट करते हैं थोड़ी देर और फिर डिकार्बोनेटेड होने के बाद अपने बालों को वॉश करते हैं। 2 hours later. So guys, लगभग ये अभी डिकार्बोनेटेड हो चुकी है। So guys, अभी चलते हैं नहाने के लिए और देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट वगैरह हमको मिलता है। अभी आप लोग मेरे बालों की जो कंडीशन है वो देख सकते हो कि कैसे अभी मेरे बाल हैं, देखिए। और इसे लगाने के बाद गाइज आप खुद कमेंट के अंदर बताना कि कैसे रिजल्ट आप लोगों को दिखे इसके। सो मैं भी आपको इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताऊँगा बियर के। सो देखते रहिए। तो गाइस, पहले स्टेप की अगर बात करें तो आपको यूज़ करना है शैम्पू। शैम्पू आप कोई भी कंपनी का किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ करते हो। शैम्पू इसलिए हम यूज़ करें ताकि हमारे सर अच्छे से क्लीन हो जाए, डर्ट वगैरह अच्छे से साफ हो जाए और फिर शैम्पू यूज़ करने वाला सर वॉश कर लेना अच्छे से। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो वो है बियर। गाइज, आपको यूज़ करनी है बियर एज ए कंडीशनर, आपको कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। जब आप बियर यूज़ करें तो आपको बियर अपने सर के ऊपर डाल लेनी है और हल्के हाथों से इससे मसाज कर लेनी है ताकि आपके बालों के अंदर ही अच्छे से चली जाए। और फिर आपको 5 से 10 मिनट के बाद आपको अपना सर वॉश कर लेना है।
सो गाइज ये है रिजल्ट आप लोगों के सामने। सो अब आप लोग दोनों में से कंपेयर करके बताओ कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस वगैरह आप लोगों को दिखा। सो गाइज अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की और बात करते हैं कि आपको इसका यूज़ करना चाहिए कि नहीं। सो गाइज अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो बियर है ये बेनिफिट से भरी हुई है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। गाइज ये जो बियर होती है माल्ट और होप जैसे प्रोटीन से भरपूर होती है और इसके अंदर विटामिन बी भी पाया जाता है जो आपके हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। और इसके अगर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपके बालों को शाइन देता है, बाउंसी बनाता है और आपके हेयर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है और एक तरह से कहूँ तो आपके जो कतली हेयर्स हैं उनको स्ट्रेट करने में भी उनकी हेल्प करता है नेचुरली। और भी इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है, ये आपके बालों को मतलब क्लींस करता है, मॉइस्चराइज करता है, मतलब ओवरऑल आपके जो हेयर की हेल्थ है और आपकी जो स्किन की हेल्थ उसे बेटर बनाता है। सो गाइज अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी ये यूज़ करने का बहुत ही अच्छा रहा। सो मेरे जो हेयर हैं वो बहुत ही बाउंसी और सिल्की हो चुके हैं और शाइन वगैरह भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इसे यूज़ करना चाहिए, मंथ में कम से कम दो बार इसे आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे मंथ में दो बार पी भी सकते हो। देखो गाइज मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में यूज़ करते हो, किसी भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपको हार्म जरूर करेगी, चाहे आपके बाल हों चाहे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हों तो उसको हार्म जरूर करेगी। सो अगर आप बियर को मंथ में कम से कम दो बार पीते हो तो ये आपकी मतलब ये बोन्स वगैरह हड्डियों वगैरह को मतलब इसके और भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह हैं। कभी मतलब इसके अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि बियर के और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो आप अभी इसे बालों के लिए यूज़ करें, पीने के लिए मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। सो इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। सो गाइज आप लोग कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों को मेरे रिजल्ट कैसे लगे और ये बताओ कि नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे होना चाहिए। सो मैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा। सो गाइज तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मोटिवेट रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।